हेलो, मैं डॉक्टर मजहर खान, आप फिजियोथेरेपिस्ट। डॉक्टर साहब, ये आपके कोर फिजियो क्लिनिक में पैरालिसिस का आप इलाज कैसे करते हैं, थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। पैरालिसिस का इलाज करने से पहले हमको ये समझना होगा कि पैरालिसिस होता क्या है, होता क्यों है, ट्रीटमेंट उसके बाद में होगा। जनरली पैरालिसिस जो होता है वो स्ट्रोक के बाद में होता है। स्ट्रोक दो तरीके से होता है, एक इस्केमिक स्ट्रोक रहता है, एक हेमरेजिक स्ट्रोक रहता है। इस्केमिक स्ट्रोक में ब्लड क्लॉट होता है ब्रेन के किसी एरिया में, आर्टरी से हमारी ब्रेन में ब्लड की सप्लाई होती है तो उसमें क्लॉट आ जाता है, तो जिससे ब्लड की सप्लाई ब्रेन में नहीं हो पाती, उसकी वजह से ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं पहुंचता, तो फिर पैरालाइज होता है बंदा। या तो किसी एक साइड का हो, जनरली एक ही साइड का होता है, अपर लिम में भी और लोअर लिम में भी, ऊपर के हिस्से में, नीचे के हिस्से में, तो वो लेफ्ट आइदर राइट किसी भी साइड हो सकता है, डिपेंड है कि क्लॉट ब्रेन में किस साइड हुआ है। और हेमरेजिक में जो रहता है उसमें भी पैरालाइज होता है, बट वो थोड़ा डिफरेंट रहता है, उसमें ब्लड वेसल्स जो है फटती है तो ब्लड ब्लीडिंग हो जाती है हमारी ब्रेन में, तो जब ब्लीडिंग होगी तब भी फिर वो पैरालाइज हो सकता है, किसी भी साइड हो सकता है, लेफ्ट साइड, राइट साइड, बॉडी के अपर एरिया में भी हो सकता है, लोअर एरिया में भी हो सकता है। इसमें भी जनरली एक ही साइड रहता है, और लेफ्ट हो या राइट हो, अपर एंड लोअर लिम दोनों इन्वॉल्व रहते हैं। हमने टीम बनाई कि अंडर वन रूफ पेशेंट को सारी चीज़ मिल जाए, फिजिशियन का जो उसकी बेसिक प्रॉब्लम है जिस वजह से उसको स्ट्रोक हुआ है वो भी हमें कंट्रोल करना है, उसकी मसल में स्ट्रेंथ लाने के लिए हमें आयुर्वेदिक और यूनानी मेडिसिन का सहारा लेते हुए फिजियो करनी है, तो ब्लड क्लॉट के लिए जो ब्लड क्लॉट है, ब्लड थिनर वगैरह, वो भी हमारे पास डॉक्टर हैं, या फिर उसका इंजेक्शन हम लोग देते हैं यहाँ पर और फिजियो करते हैं। तो जनरली जब पेशेंट कुछ दिन करता है, हमारे पास आता है, तो हमारे पास ऐसे रिजल्ट हैं कि पेशेंट क्योर हो जाते हैं। तो मेडिसिन तो यूनानी आयुर्वेदिक मेडिसिन इसमें चलती है ही, साथ में डॉक्टर्स हमारे इंजेक्शन भी देते हैं, बट फिजियो में इसमें बहुत, फिजियो का इसमें बहुत बड़ा रोल है। विदाउट फिजियो वी कैन नॉट क्योर द पेशेंट। तो फिजियो में क्या रहता है, मसल उसकी वीक है तो हम उसको, हमारे पास इलेक्ट्रोथेरेपी रहती है, मशीन रहती हैं, हम उसको मसल स्टिमुलेटर वगैरह देते हैं, मसल स्टिमुलेटर से उसकी मसल्स स्टिमुलेट होती हैं, तो मसल स्टिमुलेट होगी और एक्सरसाइज के ज़रिए और भी हमारे पास मशीन्स हैं, मॉडलिटीज़ हैं, उनके ज़रिए हम उसके मसल में स्ट्रेंथ लेके आते हैं। ब्लड क्लॉट वगैरह हमारी मेडिसिन से वो होगा, फिजियो से हम लोग अपनी मशीन से, एक्सरसाइज से उसकी मसल टोन को दोबारा से उसकी जगह पे हम लोग ला सकते हैं, और वो विदाउट फिजियोथेरेपी पेशेंट का बहुत मुश्किल है कि वो क्योर हो। डॉक्टर साहब, स्पाइन और नी के लिए आपके पास क्या स्पेशलिटी है? स्पाइन और नी में भी यही देखा है, स्पाइन में बेसिकली पहले तो हमें डायग्नोस करना होगा कि स्पाइन में प्रॉब्लम हुई कहाँ है। स्पाइन भी हमारी बड़ी है, स्पाइन को पार्ट्स में डिवाइड किया, सर्वाइकल है, डोर्सल है, लंबर है, तो इसमें किस में कहाँ प्रॉब्लम आई है। जनरली आजकल के जो देख रहे हैं हम, जो रूटीन है लोगों का, लाइफ स्टाइल है, सर्वाइकल प्रॉब्लम बहुत वो आम हो रही है। सर्वाइकल एक्चुअली लोग, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि लोग आम जबान में सर्वाइकल ही बोलते हैं, हालांकि कोई सर्वाइकल कोई बीमारी नहीं है, सर्वाइकल इज़ अ पार्ट ऑफ स्पाइन, वो स्पाइन का एक पार्ट है। तो कभी कभी जो हम कंप्यूटर पर बैठ रहे हैं या अक्सर मोबाइल को ऐसे देखते यूज़ करते हैं नीचे देख के, तो हमारी मसल में स्टिफनेस आ जाती है, वो अक्सर अगर आप एक्सरे कराएंगे तो आपको अक्सर एक्सरे में दिखेगा लॉर्डोसिस डेवलप ड्यू टू मस्कुलर स्पाजम, मसल स्पाजम देखेंगे, तो उसका भी ट्रीटमेंट लोग पेन किलर खाते रहते हैं बट उसमें क्योर नहीं होता, उसका वक्ती आराम मिल सकता है, वक्ती उसमें दर्द कम हो जाएगा, वो हो जाएगा। नी में भी वैसे ही है, अर्थराइटिस है, एज रिलेटेड रहता है। अब अर्थराइटिस मतलब उसका नीम की हड्डी जो है, जॉइंट जो है, वो घिसेगा, अब घिसेगा तो उसको हम पुरानी उसमें लेके आए ये पॉसिबल नहीं है, वो तो मेडिसिन में भी पॉसिबल नहीं है, फिजियो में भी पॉसिबल नहीं है, एज रिलेटेड है वो चीज़। तो एज रिलेटेड को हम उसकी पुरानी एज में यंग कर दें ऐसा मुमकिन नहीं है, बट हम फिजियो से उसको मैनेज कर सकते हैं। स्पाइन को तो हम क्योर कर सकते हैं, नी को मैनेज कर सकते हैं कि उसका वो, उसको हम लोग नी रिप्लेसमेंट तक नहीं पहुँचने देंगे। अगर उसको फिजियोथेरेपी में हम लोग कोर फिजियो में, हमारे जो सेंटर है उसमें हमने नी के लिए, स्पाइन के लिए इसीलिए स्पेशली वो रखा है कि स्पाइन के लिए आएगा हमारे पास, तो हम उसको फिजियो बाय फिजियो, फिजियो से हमारे पास मशीन्स हैं, आईएफटी है और डाइथर्मी है, ट्रैक्शन भी है और एक्सरसाइज हैं, तो उसको हम उस चीज़ से क्योर करेंगे। और नी को भी हम कुछ यूनानी आयुर्वेदिक मेडिसिन से और फिजियो से उसको मैनेज करेंगे, फिजियो के ज़रिए और इन मेडिसिन के ज़रिए हम उसको कभी भी नी रिप्लेसमेंट तक नहीं पहुंचने देंगे।
और अदरवाइज़ अगर उसका मैनेज नहीं किया गया तो वो नी रिप्लेसमेंट उसका होगा। तो अगर नी रिप्लेसमेंट से बचना है तो कोर फिजियो में आइए। महिपाल जी, आप कब से आ रहे हैं यहाँ कोर फिजियो में? 16 तारीख से इसी। कितने दिन हो गए आपको आते हुए? आज 10 दिन। क्या प्रॉब्लम था आपको? मतलब यार रेडू थोड़ा बैक प्रॉब्लम था, पीछे दर्द करती है तो इसका, तो यहाँ आकर मैंने सर को दिखाया था और इन्होंने बताया कि कुछ टाइम आप यहाँ से करेंगे तो अच्छा हो जाएगा, और आज मेरे को काफ़ी फ़र्क लग रहा है, काफ़ी मतलब बहुत सुधार है। पहले क्या चलने में बैठने में फ़र्क प्रॉब्लम? हाँ मतलब ये प्रॉब्लम था, जैसे मैं कहीं बैठता था तो ज़्यादा टाइम ऐसे बैठ रहना पड़ता मेरे को, थोड़ा सा मैं सीधा बैठ रहा था, उसके बाद फिर जैसे मतलब चलने लगता वगैरह तो थोड़ा दर्द रहता बहुत ज़्यादा, कभी ऐसे करना पड़ता है ऐसे, तो अभी मतलब एकदम बराबर, मतलब अगर ऐसा बैठूँ तो मतलब कंटिन्यू काफ़ी टाइम तक बैठ सकता हूँ मैं ऐसा, इस चीज़ है मतलब अपने आप को ठीक कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ, और वैसे कंटिन्यू चल रहा है तो अभी और ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। या ठीक, यहाँ का स्टाफ कैसा रहा आपके लिए? स्टाफ बहुत अच्छा रहा है और ट्रीटमेंट सब अच्छा देते हैं, सब बराबर है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। माय नेम इज़ हितेश महेश ठाकर, मैं SP पटेल नगर माड़ा अंधेरी में रहता हूँ, और पिछले 4-5 महीने से मैं सीवियर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का शिकार था, और इतना पेन था कि भाई 24/7 मुझे एक सेकंड भी पेन के बिना मैं रहता नहीं था, और मैं रात भर भी नहीं सो पा रहा था। फॉर्चुनेटली एक दिन कोर फिजियो का मेरे घर पे पैम्फलेट आया, और मिस्टर डॉक्टर मज़र खान जी से मैं मिला, और उन्होंने मुझे कुछ रिपोर्ट्स निकालने के लिए बोले। जब तब मुझे पता चला कि मुझे बहुत सीवियर स्पॉन्डिलाइटिस हो गया है, और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड और मज़र खान जी के एक्सरसाइज और जो ट्रीटमेंट है उसकी वजह से आज सेवेंथ डे में मुझे खुद को कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं 75% ठीक हो गया हूँ। जो कॉन्फिडेंस उन्होंने day 1 पे मुझे दिया था कि आप ठीक हो जाओ, कि जब मुझे डर लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही सीवियर था, और आज 7th day है और मैं होपफुली मुझे ऐसा खुद को कॉन्फिडेंस आ रहा है कि विद इन नेक्स्ट 7 days और 10 days में मैं ठीक हो जाऊंगा।